आदिवासियों को सशक्त होना जरूरी है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उनके राइट्स जो है, उनके अधिकार हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप एक आध साल नौकरी किया, फिर वापस इधर आया, राजनीति में इच्छा तो नहीं थी, सोचा कि बिजनेस वगैरह करूं, लेकिन मे बी ब्लड था राजनीति में, इसीलिए राजनीति में जाना पड़ा। क्या ऐसा कारण रहा शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खासकर बीजेपी को जीत क्यों नहीं हासिल हो पाती है? मिनरल रिच एरिया है, खास करके कोल, तो बहुत सारे दलाल, बहुत सारे पूंजीपतियों की आंख लगी हुई है। कैसे हम प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को, ये हमारा लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में। हेमंत सोरेन सर की सरकार ने नियोजन नीति हो, चाहे 1932 के आधार पर खतियान नीति हो, हमने पास करने की कोशिश किया, जिसे विपक्ष ने रोका। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मेरा नाम है अंशु। विधानसभा चुनाव के परिणाम आप सभी के समक्ष है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के पाले में कुल 56 सीटें आई हैं और इन्हीं 56 सीटों में से एक है शिकारीपाड़ा विधानसभा, जहां से आलोक सोरेन नव निर्वाचित विधायक चुन करके आए हैं। शिकारीपाड़ा विधानसभा के बारे में आपको जरा बता दें कि ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर नलिन सोरेन जी लगातार 7 बार से विधायक चुने जाते रहे हैं और वर्तमान में वह दुमका से सांसद हैं। संसदीय का चुनाव जीतने के बाद उनके बेटे आलोक सोरेन जी को जेएमएम ने टिकट दिया और वह पार्टी के भरोसे को बहुत अच्छे तरीके से जीत करके आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलोक सोरेन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकतंत्र 19। तो सर, सबसे पहले हम आपसे आपके जीवन सफर के ही बारे में जानना चाहेंगे। ऐसे बहुत से ऑडियंस होंगे जो शायद आपके बारे में जानते नहीं होंगे। शिकारीपाड़ा विधानसभा ऐसे भी संथाल में एक गुमनाम नाम जैसा लगता है, तो हम सबसे पहले आपसे आपके ही थ्रू आपके जीवन सफर के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपने क्या शिक्षा प्राप्त की और राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? माता पिता के बारे में जानते ही हैं, नलिन सोरेन जी मेरे पिता हैं, यहाँ से 7 बार विधायक हैं। मेरी माता जी दुमका जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। मेरी पढ़ाई, स्कूलिंग मेरी भागलपुर से हुई, सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर से। उसके बाद सेंट जेवियर्स कोलकाता से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद GSBA दिल्ली से MBA किया मैंने। इसके बाद एक आध साल नौकरी किया, फिर वापस इधर आया। राजनीति में इच्छा तो नहीं थी, सोचा कि बिजनेस वगैरह करूं, लेकिन मे बी ब्लड था राजनीति में, इसीलिए राजनीति में जाना पड़ा। सर, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई तो मोड़ होगा जिसने आपको राजनीति में आने के लिए उत्साहित किया, ये ऐसा कौन सा मोड़ रहा? मोड़ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ और लोगों का डिमांड था कि राजनीति में आए, और ऊपर से माननीय हेमंत सोरेन जी का विश्वास था, तो इसी कारण से राजनीति में आया मैं। आलोक सोरेन जी, आपको बताएं कि आपका नाम हमने तब सबसे पहले सुना जब हम लोकसभा चुनाव में शिकारीपाड़ा विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे। आपको बता दें कि शिकारीपाड़ा विधानसभा दुमका लोकसभा के अंतर्गत है और हम जब भ्रमण कर रहे थे तो नलिन सोरेन जी के बारे में वहाँ की जनता का कहना था कि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और उनके परिवार से जो कोई भी खड़ा हो जाए हम उन्हें बहुमत से जीत हासिल करवाएंगे और हम उन्हें ज़रूर से जिताएंगे। और उसी समय लोगों का कहना था कि संभवतः इस बार जब नलिन सोरेन जी सांसद बन जाएंगे तो शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट खाली हो जाएगी और वहाँ पर उनके बेटे आलोक सोरेन जी को टिकट दिया जा सकता है। और आलोक सोरेन ही क्या, उनके किसी भी सदस्य को अगर टिकट दिया जाता है तो हम उन्हें बहुमत से जीत दिलाएंगे। तो आलोक सोरेन जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या नलिन सोरेन जी की वजह से आपको जाना जाता है क्षेत्र में, या आपकी भी कुछ अपनी पहचान आपने बनाई है? नहीं, सर्वप्रथम तो मेरे को मेरे पिता के नाम से ही जाना जाता है, मैं उनका बेटा हूँ, वो वहाँ से सांसद हैं, विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर उनके नाम से ही जाना जाऊँगा पहले तो मैं। कोशिश करूँ अपने पहचान बनाने की, क्षेत्र में हूँ, भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, समस्याएं निदान करने की कोशिश करता हूँ लोगों की। आपके पिता लगातार 35 साल से यहाँ पर विधायक चुने जाते रहे हैं, तो जब वो राजनीति में प्रवेश किए होंगे तो उनका एक अपना विजन होगा और क्योंकि वो झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे हैं तो उनके साथ परिस्थितियाँ कुछ अलग रही होंगी।
आप किस विजन के साथ राजनीति में उतरे हैं? मेरे पिताजी जब आए थे तो उस समय तो झारखंड आंदोलन चल रहा था, झारखंड राज्य की मांग थी। अभी डेवलपमेंट का मेरा भी वही है, पार्टी का भी वही कि झारखंड तो हमें मिल गया, अब इसको विकसित करना है, विकास करना है। इस पर मेरा विजन वही है कि कैसे रीजन का अपने शिकारीपाड़ा क्षेत्र का विकास होगा। जी, तो विकास का क्या पैमाना आपके दिमाग में है? आप शिकारीपाड़ा विधानसभा अपने क्षेत्र को किस तरह से विकसित करेंगे, क्या क्या आप पहल करना चाहेंगे? सबसे पहले जो बुनियादी समस्या है, अभी भी पेयजल की बहुत समस्या है, बोरिंग वगैरह होता है लेकिन वो मिल नहीं पाता पानी, नीचे स्तर वो नीचे गिरा हुआ है या फिर रीजन ही वैसा है। लेकिन बुनियादी पेयजल की समस्या है, शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, मतलब बुनियादी समस्या है जो है, सर्वप्रथम इसको दूर करके जो लोगों का जीवन का स्तर है उसको थोड़ा ऊँचा किया जा सकता है वहाँ के। ये विजन है कि एक रीजन का कैसे विकास करें, बुनियादी समस्या हल होगी तो बात बाकी आस्ते आस्ते समस्याएँ हल होते जाएंगी। बिल्कुल, जब हम शिकारीपाड़ा विधानसभा के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा स्टडी कर रहे थे, तब हमें पत्थर खनन के बारे में पता चला कि पत्थर का वहाँ पर खनन होता है और क्रशर प्लांट भी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ पर ना तो कोई नीति बनी सरकार ने, ना तो कोई नीति बनाई, और अब जा कर के पत्थर खनन वहाँ पर और क्रशर प्लांट जो है वहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर है, वहाँ पर उसे बंद हो, वो बंद होने की कगार पर है, और हज़ारों लोगों का रोज़गार छीन रहा है। क्या यह आपके लिए कोई मुद्दा है? नहीं नहीं, अभी ये है कि पत्थर खनन तो अब जो चल रहा है, जो लीगल है वही चल रहा है, जो अभी हम गवर्नमेंट की तरफ से जो लीगल है वही चल रहे हैं, और रोज़गार पलायन का तो वहाँ समस्या है लेकिन उसको भी माइंड में है कि कैसे पलायन रोका जा सकता है। दूसरी बात है रोज़गार, पत्थर खदान की वजह से बहुत सारे रोज़गार मिल रहे हैं लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पत्थर खदान रोज़गार दे रही है। तो सर उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है, आप उसको कैसे उसके थ्रू और रोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं? हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ इच्छुक हैं, लेकिन वही है कि जो लीगल है वो चल रहे हैं, और प्लस है कि कोयला खदान है, लेकिन अभी जो स्टैंड है वहाँ का पार्टी का या लोगों का स्टैंड है तो अभी खदान पर जो ST संथाल पर नगर टेनेंसी एक्ट है उसी के तहत होगा, खदानें वगैरह किसी को अभी मिल नहीं रही हैं। सरकार का भी स्टैंड है, पार्टी का भी स्टैंड है, हम लोगों के साथ हैं, जल जंगल जमीन को बचाने का हमारा जो मुहिम है वो रहेगा। सर आप सदन में पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, तो मेरा सवाल है कि आप जब सदन में प्रवेश करेंगे तो आप क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे और सदन में आप कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? मुद्दे वही हैं बेसिक, तो वहाँ कैसे बुनियादी समस्या, मैंने जैसे कहा कि पेयजल की समस्या, उसके लिए सरकार की तरफ से बोलूँगा सरकार के लिए कि कैसे एक नया नीति वहाँ के लिए, पेयजल की समस्या है उसको निदान करने के लिए, प्लस जो युवा हैं जो पलायन हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, सरकार को आग्रह करूँगा कि नई नीति बनाए युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए, और जो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, हेल्थ और शिक्षा से उसे बेहतर किया जाए, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। सर जब आप रोज़गार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है नियोजन नीति का मामला, आज तक झारखंड में नियोजन नीति नहीं है और स्थानीय नीति के आधार पर ही कहा जाता है कि नियोजन नीति यहाँ पर बनना चाहिए, और 2019 का जब चुनाव था उस समय JMM के मैनिफेस्टो में 1932 खतियान को लागू करना, नियोजन नीति बनाना ये शामिल था। हालांकि सरकार ने पहल की लेकिन 2024 में जब वो चुनाव लड़ी उस समय भी ये मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में शामिल था, मतलब ये पूरा नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन सर की सरकार ने नियोजन नीति हो चाहे 1932 के आधार पर खतियान नीति हो, हमने पास करने की कोशिश किया जिसे विपक्ष ने रोका, कोई ना कोई तरीके से रोका, लेकिन फिर भी हमारे एजेंडा में हम उसे पास करेंगे। लोगों का जो भरोसा है, जिस पर हमको विश्वास दिए हैं, विकास और जो नियोजन नीति हो या 1932 खतियान, ये हमें ध्यान है और निश्चित तौर पर इस पर पास करने की हम कोशिश करेंगे। सर एक जो बड़ा सवाल है झारखंड की राजनीति में वो परिवारवाद का उठता रहा है, चाहे आज के समय में JMM हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, या खुद परिवारवाद का आरोप लगाने वाली BJP हो, सभी के दलों में वो परिवारवाद हावी रहता है।
इस पर आपका क्या स्टैंड है, नलिन सोरेन के बेटे का क्या स्टैंड है? वही स्टैंड है, जनता तय करेगी ना। जनता अगर चुन रही है तो नहीं, अगर जनता नहीं चुनेगी तो फिर वो रिजेक्ट कर देगी, वो तो वोट नहीं देगी। तो जनता चुन रही है तो मैं इसमें क्या बोलूँगा। इसमें सर एक सवाल ये भी है मेरा कि आदिवासियों को आज के समय में सशक्त होना क्यों जरूरी है राजनीतिक रूप से, आप हमें ये बतौर एक आदिवासी युवा नेता के तौर पर बताएं, और नलिन सोरेन के बेटे का इस पर क्या स्टैंड है ये हम जानना चाहते हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आदिवासियों को सशक्त होना जरूरी है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उनके राइट्स जो है, उनके अधिकार हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप अगर आप अपने हाई राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे, लड़ने का मतलब आप राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ रहे, आपके सदन में बात नहीं उठ रही है, तो फिर कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपके राइट्स का, आपके अधिकार को वो ब्रीच होगा, लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए राजनीतिक तौर पर अपने हक और अधिकार जो है, आपकी जो परंपरा है उनको बचाने के लिए सशक्त होना बहुत जरूरी है। सर ये भी अक्सर देखा जाता है कि जब कोई शोषित समाज से आने वाला अगर कोई नेता हो या फिर पढ़ लिख कर आगे चला जाता है तो वो फिर वापस अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं करता है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं को, आप क्योंकि एक युवा नेता हैं? नहीं नहीं, जमीन से अगर जुड़े हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, आप अगर जमीन से नहीं जुड़े हैं तो फिर जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता के बीच में रहना होगा, उनके लिए काम करना ही होगा। मैं यही संदेश दूंगा, जमीन से जुड़िए, जो आपकी पहचान है पहचान को बरकरार रखिए। जी जेएमएम ने पिछले बार के मुकाबले, जेएमएम ही नहीं जेएमएम की जो सहयोगी दल है मतलब पूरे इंडिया गठबंधन ने साल 2019 के मुकाबले 2024 में और भी ज़्यादा सीटों के साथ बहुमत हासिल की है, बड़ी जीत दर्ज की है, और बीजेपी के खाते में जो सीटें थी वो कम हो गई हैं, खासकर आदिवासी सीटों पर बीजेपी को और भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, चाहे वो हम लोकसभा चुनाव के समय देखें या फिर विधानसभा चुनाव के समय। तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों है, और जेएमएम या फिर इंडिया गठबंधन की जीत में आप सबसे बड़ा कारण क्या देख पाते हैं? पहली बात तो जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास कर रही है, ट्रस्ट कर रही है। ऊपर से जो माननीय हेमंत सोरेन जी की जो योजनाएं थी, उनकी सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल का जो कटौती हुआ, या फिर पेंशन, या ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके वजह से मेन मुख्य कारण है जो जनता माने जन कल्याणकारी योजना है जनता के बीच, मेरे ख्याल से वही योजनाएं हैं हेमंत सर जो, उनकी जो विजन है और राजनीतिक जो मैच्योरिटी है उनका, उसके वजह से ये इतनी बड़ी जीत हो पाई है। इसी कड़ी में एक और सवाल है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लगातार प्रयास करती रही है, परितोष सोरेन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे, पहले नलिन सोरेन जी के हाथों मात खाते रहे, और इस बार जब आप चुनावी मैदान में रहे तो आपने भी उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया, क्या ऐसा कारण रहा, शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खासकर बीजेपी को जीत क्यों नहीं हासिल हो पाती है? क्योंकि जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ट्रस्ट कर रही है, चाहे मेरे पिताजी या मैं, हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं, जो भी समस्या है दिन रात 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, और प्लस जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं मजबूत हैं, एक्टिव हैं, जनता के बीच भी रहते हैं, काम करते रहते हैं, यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लोगों का विश्वास अभी भी बरकरार है। तो अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में हैं और आपसे कुछ आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है, क्या आप अपने पिता की विरासत को आगे लेकर जाएंगे या एक नए सिरे से विरासत को जन्म देंगे? निसंदेह जो मेरे पिताजी ने काम किया है, जो कुछ बची खुची रह गई उनको और आगे ले जाऊंगा, उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा, और चूंकि समय बदल रहा है तो उस हिसाब से भी अभी भी जो एरिया का डेवलपमेंट है उतना हो नहीं पाया, हालांकि रोड वगैरह नेटवर्क पूरा हो चुका है लेकिन कुछ कुछ छूटे हुए हैं, और जैसे कि मैंने कहा पेयजल की समस्या बुनियादी समस्या है, प्लस है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं या अल्पसंख्यक है उनके अधिकार की भी रक्षा करनी है, जान रहे हैं कि वो एक्चुअली मिनरल रिच एरिया है, खास करके कोल, तो बहुत सारे दलाल बहुत सारे पूंजीपतियों की आंख लगी हुई है, कैसे हम प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को, ये हमारा लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सोरेन जी, हमारे साथ आलोक सोरेन थे और ये शिकारीपाड़ा से नवनिर्वाचित विधायक हैं, आने वाले सत्र में ये हमें सदन में भी दिखाई देंगे, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।